शिक्षा के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदाहरण हमारे सामने है। पहले कितनी सदियों पहले मेरे देश में समाज के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या था उससे नजर आएगा। साथियों, उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए श्री सिद्धगंगा मठ आज 125 से ज्यादा इंस्टीट्यूट चला रहा है, समाज में शिक्षा और अध्यात्म का प्रसार कर रहा है। और मुझे बताया गया है कि सिद्धगंगा मठ के स्कूलों में इस समय करीब 10,000 विद्यार्थी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। भगवान बसवेश्वर की ये प्रेरणा, निस्वार्थ सेवा की ये निष्ठा, यही हमारे भारत की बुनियाद है। जितनी मजबूत ये बुनियाद होगी उतना ही मजबूत हमारा देश होगा। साथियों, आज जब हम देश की आजादी के 75 साल मना रहे हैं तो आजादी के अमृत काल का ये कालखंड सबके प्रयास का उत्तम अवसर है। हमारे ऋषियों ने सहकार, सहयोग और सबके प्रयास के इस संकल्प को सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवा वही जैसी वेद ऋचाओं के रूप में हमें दिया है। आज समय है हम हजारों सालों के उस आध्यात्मिक अनुभव को साकार करें। आज समय है कि हम गुलामी के सैकड़ों वर्षों में देखे गए सपनों को साकार करें। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को और गति देनी होगी, हमें अपने प्रयासों को राष्ट्र के संकल्पों के से जोड़ना होगा। साथियों, शिक्षा हमारे से भारत के लिए सहज स्वभाव रही है। इसी सहजता के साथ हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई के विकल्प दिए जा रहे हैं। कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु के साथ साथ संस्कृत जैसी भाषाओं को भी प्रमोट किया जा रहा है। हमारे सभी मठ और धार्मिक संस्थान इस कार्य में सदियों से लगे हुए हैं। मैसूरू तो ऐसी जगह है जहां से देश का एकमात्र संस्कृत दैनिक अखबार सुधर्मा आज भी प्रकाशित हो रहा है। अब देश भी आपके इन प्रयासों में अपना सहयोग दे रहा है, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी तरह स्वास्थ्य और आरोग्य की दिशा में भारत के प्रयासों से आज आयुर्वेद और योग को पूरी दुनिया में नई पहचान मिली।